मैं उसे मिला मिला ये पूरा अच्छी चोटें हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे या शशि थरूर? देखिए ये निर्णय कल होगा, दोनों की अपनी क्षमताएं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक लंबा जीवन कांग्रेस पार्टी में रहा, 8 बार लगातार विधायक, 2 बार लगातार सांसद और अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता, उससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पंचायत समिति से उठकर आया हुआ एक दलित व्यक्ति किस मुकाम तक जा सकता है, वो केवल कांग्रेस में संभव है। दलित समाज का एक व्यक्ति एक तरफ है, एक तरफ एक राजदूत हैं, पूर्व राजदूत जिन्होंने अपनी एक लंबा कार्यकाल राजदूत के तौर पर निभाया और अब वो कांग्रेस में राहुल गांधी जी के आह्वान पर वो आए, उन्हें राहुल गांधी जी ने टिकट दी कांग्रेस की और वो 2 बार 3-3 बार चुनाव जीते। तो कह रहे पुनर्जीवित कर रहे हैं कांग्रेस को। हर व्यक्ति जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है और हर व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है, चाहे वो हमारा सदस्य ना हो, वो कांग्रेस और देश को आगे बढ़ाने का काम कर ही रहा है। तो सर जिस तरह से बताया जा रहा है कई जगह उनको पोलिंग एजेंट तक नहीं मिले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की स्थिति काफ़ी मजबूत है, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं तो कितना बेनिफिशियल होगा? देखिए ये कल तक रुकिए, चुनाव का निर्णय आने दीजिए, जो चुनाव डब्बों में बंधे उस पर मैं अभी क्या टिप्पणी करूँगा। मैं ये जानता हूँ कि ये चुनावी प्रक्रिया केवल कांग्रेस में संभव है। अमित शाह को किसने वोट डाला था जब वो अध्यक्ष बने भाजपा के? जेपी नड्डा जी को किसने वोट डाला था? क्या भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस में कभी चुनाव हुआ है, किसी ने उनकी वोट डाली है? बीजेपी क्यों? दुर्भाग्य से मीडिया के साथी कभी भाजपा से ये सवाल नहीं पूछते और मैं आपका की पीड़ा समझता हूँ, क्योंकि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा मेरी तरह, और उसके बाद आप मुकदमा भुगतेंगे या पत्रकारिता करेंगे। कांग्रेस से सवाल पूछिए, क्योंकि हम देश की आज़ादी की पार्टी हैं और देश के भविष्य और वर्तमान की भी। बात बड़ी सीधी है, चुनाव हो रहा है सर कि ये मनोनयन है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक आंदोलन है, एक राजनीतिक दल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदा इस देश के वंचित, शोषित, गरीब, मध्यम वर्ग, हर उस व्यक्ति की आवाज़ उठाई है जिसका हक छीना जा रहा है। भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर हम सब साथियों ने वाराणसी में एक आंदोलन किया था, बच्चों की फीस हाइक के खिलाफ, जब 300% भाजपा ने फीस बढ़ा दी थी, MBA तक की फीस 30,000 से बढ़ाकर 72,000 रुपया कर दी थी। संवासनी कांड जो हुआ वो सब उसके जानकार थे। बुनकरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था भाजपा शासन में, इन सब बातों के खिलाफ एक आंदोलन किया। 22 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस मुकदमे को रिवाइव करके MP MLA कोर्ट पे लगा दिया है। मुकदमा बोगस है, हम ये अदालत में साबित करेंगे, हमारा अदालत की न्यायिक प्रक्रिया में संपूर्ण विश्वास है। आज भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी और लाखों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इसी लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। 3,570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा पूरे हो चुके। नफरत को मिटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, बेरोजगारी और महंगाई जिसमें हर व्यक्ति पिस रहा है, जात और धर्म को छोड़ दें तो, उस सब को मिटाना है। भाजपा के पास हिंदू मुसलमान है, हमारे पास एक इनकलाब है, इनकलाब बेरोजगारी के खिलाफ, इनकलाब महंगाई के खिलाफ, इनकलाब नफरत के खिलाफ, इनकलाब भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये जंग निरंतर चलेगी, व्यक्ति बदलते रहेंगे, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये विचार और ये जंग सदा चलती रहेगी।
सर, एक बार आपने फीस वृद्धि को लेकर 22 साल पहले जो आंदोलन किया था, एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होती दिखाई पड़ रही है। आपको मालूम भी होगा, चाहे प्रयागराज विश्वविद्यालय हो चाहे BHU में भी, कल रात को खुद NSY के तमाम छात्रों के और संगठन के लोगों ने बड़ा आंदोलन किया है, भी खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की शिक्षा को निजीकरण करना चाहती है, प्राइवेटाइज करना चाहती है, निजी हाथों में सौंपना चाहती है। मुझे बताइए, एक एक दो दो पाँच पाँच लाख रुपया की फीस किस प्रकार से पूर्वांचल के लोग दे पाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग दे पाएंगे, देश के लोग दे पाएंगे? बच्चे कहाँ जाएं? स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो गई है, कॉलेज छोड़िए, पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़िए, आज लोगों के लिए स्कूल की फीस देना दूभर हो गया है। परंतु दुर्भाग्य से इस देश और प्रदेश को ऐसे लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी गृहस्थ जीवन देखा ही नहीं। जब बच्चे हैं ही नहीं, उन्हें बच्चों की फीस देने की तकलीफ माँ बाप को क्या होती है वो कैसे समझेंगे? और इसीलिए वो निजीकरण की तरफ शिक्षा को ले जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवाज़ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमारे NSUI युवा कांग्रेस के साथी इस लगातार उठाते रहेंगे। यहाँ हम सबके शामिल होने की आवश्यकता होगी, हम खुद शामिल होंगे, परंतु योगी सरकार को, आदित्यनाथ सरकार को ये फीस वृद्धि वापस लेनी चाहिए। अगर आपने गृहस्थ जीवन नहीं जिया तो आप कम से कम दूसरों के बच्चों की तकलीफ को समझें। बतौर मुख्यमंत्री आपका ये दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन करें, बजाय निजी जो संचालक है उनकी मदद करने के, और सरकारी जो संस्थाएं हैं उनकी फीस भी आम जनमानस की पहुंच से बाहर करने के। JP नड्डा तो वोट डालकर चुने थे और अमित शाह भी चुने थे वोट डालकर, और मोदी जी को भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट वोट डालकर चुना गया था। अजीब, जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं देश के इतिहास की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की, वो खाम खाम में टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भैया, पहले अपने गिरेबा में झांको और उसके बाद हमसे बात करना। गैर गांधी परिवार के हाथ में जाएगा कांग्रेस? पहले भी गैर गांधी परिवार से बहुत सारे अध्यक्ष रहे हैं, याद करिए, नरसिम्हा राव जी हमारे अध्यक्ष रहे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 1991 से 1996 के बीच की बात है। सीताराम केसरी जी हमारे अध्यक्ष रहे, और इस बार राहुल गांधी जी ने निर्णय किया कि न वो न उनकी बहन, और सोनिया जी पहले ही कह चुकी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, तो उन्होंने कहा हमारे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ेगा ताकि एक और व्यक्ति को मौका मिले। इसीलिए मैंने कहा दोनों अच्छे उम्मीदवार हैं, कल निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।